जय हिंद साथियों। साथियों मैं विनोद माले आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है हमारे कीवी ऑर्चिड का अपडेट। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने मांगा था। हालांकि कीवी में, जैसे मैं हर बार कहता हूं, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3 से 4 साल लगभग वेटिंग पीरियड होता है, हमें उसमें उनकी देखभाल करनी होती है, तो हर बार अपडेट नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी अगर मेरे व्यूअर्स चाहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि आजकल उनकी क्या कंडीशन है वो मैं दिखाऊं। अभी लगभग इनको 1.5 यानी 1.5 साल हो चुका है हम, मेरे जो ये पेड़ हैं, जब से मैंने प्लांटेशन किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या समस्याएं आ रही है और अभी क्या अपडेट है मेरे कीवी ऑर्चिड का, या मेरे पेड़ अभी कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बैक कैमरे। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाता हूँ, प्लांट्सों की अभी क्या कंडीशन है, और उसके बाद दिखाऊंगा कुछ कुछ प्लांटों में क्या कमी आ रही है, तो भी आप देखिएगा। तो ये है साथियों, देखिए ये प्लांट्स अभी है। अरे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इनसे जो बम्बू स्टिक था, जो सपोर्टिंग था, वो हटा दिया है। तो ये पूरे प्लांट्स ऐसे देखिए दो भागों में बट गए हैं, और फिर इनके सब ब्रांचेज आ गई है। किसी भी प्लांट्स को आप देखोगे तो देखिए दो भागों में बटकर और इस तरीके से अब ये फैल रही है। ऐसे ही आपने भी करना है दोस्तों, इस तरीके से इनकी ब्रांचेज लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और फिर इधर उधर में इनको ऐसे बांटना है। ये देखिए, मैं आपको एक दूर सा व्यू दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पूरे फैल रहे हैं अपने, जो ट्रेलिस सिस्टम है हमारा, जो ऊपर से ये बना हुआ जाल है, इस पे पूरे फैल रहे हैं। देखिए दोस्तों, और इसी तरह आप भी अपने पेड़ों को की देखभाल करें। तो यह साथी है, अब देखिए इसमें आप, अगर एक मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये पत्तों पे ये छेद हो रहे हैं, तो इसका भी रीजन दोस्तों, एक तो बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, और अभी इनमें फ्रूट्स तो आए नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है ये छोटे हैं, 1.5 साल के ही केवल पौधे हैं। इतना हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये जो कीड़े हैं ये कोई खास नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये जो छेद वाले हैं, जो कीड़े खा लेते हैं इनको, ये बरसात में अक्सर होता है दोस्तों, ये आम बात है, क्योंकि बारिश इस बार काफी ज्यादा हुई है। तो आप बहुत से, लगभग सभी में देख रहे होंगे, एक दो पत्ते काफी छेद छेद से हो रखे हैं, इससे इससे आप परेशान ना हो। हाँ, अगर आप इसका बचने का उपाय करना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, जिनसे वो दूर रहे, वो आप कर सकते हो। किंतु जो ये टहनिया है, इस पर आप चूना और नीला थोता लगा सकते हैं, वो इस तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज में बताता हूँ, मैंने कुछ कुछ बांस हटा दिए हैं, उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब हमारे ये अपने ट्रेलिस को पकड़ लेता है, जो पेड़ है या बेल है, जो भी आप बोलो, तो ये जो बेल है अपनी ट्रेलिस को अच्छे से पकड़ लेती है, तो हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि उस पर भी दीमक लगने का खतरा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस जो बांस का खंभा है, इसको बार बार ऐसे देखिए, ऐसे उठा करके देखिए,
कहीं जमीन के नीचे इस पे दीमक न लग रही हो, तो ये आपको चेक करना है बार बार उसको उठा करके, क्योंकि अगर उस पे दीमक लगती है तो होता क्या है कि हमारे जो पेड़ की जड़ है उस पे भी दीमक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ आप ध्यान रखें दोस्तों। एक तो मैंने आपको बताया कि बम्बू स्टिक्स को हिलाते रहें, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हटा दें। और उसके बाद दूसरा, ये जो पत्तों पे है आप नीम ऑयल या फिर पेड़ की जो ये मेन ब्रांच है इस पे आप चूना और नीला थोथा का पेस्ट लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों, आप हमारे इन बेल या पौधों को देख के आप बताइए कैसे कैसे आपको लग रही है इनकी डेवलपमेंट। अब होता क्या दोस्तों, एक और प्रॉब्लम जो हमारे आती है, पिछले बरसात का सीजन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पहाड़ों में कई जगह पानी निकलने की समस्या हो जाती है, पानी निकल जाता है जड़ों से, जिससे जड़ गलन की समस्याएं होती है। तो वो पेड़ कैसे खराब होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी लगभग दो पेड़ों पे मेरे ये पानी का प्रकोप बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी का असर पड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको दोनों पेड़ दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, इसके पत्ते लगभग ब्राउन ब्राउन होकर गिर गए हैं, हालांकि ये फिर से ग्रोथ करेगा। ये यहां से पानी एक्सेस, ज्यादा पानी हो गया इसकी जड़ों पे। ये देखिए, ज्यादा पानी के कारण हो जाता है दोस्तों, और ऐसे करके ये खराब हो गया लगभग, लेकिन ये रिकवर कर जाएंगे दोस्तों। और ये पिछली बार के जो खराब हुए हैं इनको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पर बहुत पानी निकलता है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू इधर पानी पानी होता है और हर जड़ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी मतलब ज्यादा पानी से भी हमारे पौधों में खराबी आनी शुरू हो जाती है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है आपने। अभी एक हमारे व्यूअर्स बार बार मुझे कॉल कर रहे थे दोस्तों, हालांकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवल व्हाट्सएप मैसेज ही किया करें, कॉल रिसीव नहीं हो पाती, काफी कॉल्स आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कीवी के पौधा कैसा होता है वो दिखाइए, क्योंकि उनको भी खरीदना है और वो आजकल खरीदने की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं उनको ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि आजकल तो कीवी की प्लांटेशन ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि अभी लगभग 90% केसेस में वो सक्सेस नहीं होता है। तो आप इसको जनवरी या फरवरी में करें, दिसंबर जनवरी फरवरी में आप इसका प्लांटेशन करें तो बेस्ट रहेगा। और उनकी रिक्वेस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवी का छोटा जो पौधा होता है, जो नया पौधा होता है, वो कैसा होता है। इनके पत्तों पे भी आपको हल्के से किनारे से दिखेंगे ये कांटे जैसे, भले ही चुभते नहीं है, और इस पे भी रेसे रेसे दिखाई देंगे। और इनके पत्ते गोल शेप में होते हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रीन और हर कोई कोई हल्के ब्राउन ब्राउनिश होते हैं। ये है दोस्तों छोटा पौधा। और अगर आपको बड़ी पौधे देखने हैं, तो ये था साथियों मेरे कीवी ऑर्चर्ड का अपडेट, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना सुंदर व्यू है, आजकल बरसात में जो प्रकृति है वो अपने बहुत ही सुंदर रूप में रहती है। और हालांकि इसके साथ साथ थोड़ी बहुत आपदाएं भी है, लैंडस्लाइड और बादल फटने के, लेकिन
फिर भी अगर देखा जाए तो प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आजकल दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर मौसम और व्यू रहता है हमारे पहाड़ों का आजकल। तो साथियों, ये था मेरे कीवी का अपडेट। आप भी ज़रूर कीवी ट्राई करें और अपने पहाड़ों को एक नए पौधे, एक नए फल के रूप में एक रोज़गार दें लोगों को, यही मेरी आशा है। तो थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।